नमस्कार दोस्तों, मैं सर राव आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम जिस चैप्टर को समझने वाले हैं वो है ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर। दोस्तों, ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर क्या है इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इससे पहले अगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बताऊँ, उससे पहले एक काम करो, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, टिश्यू प्रोसेसिंग का एक वीडियो बना रखा है उसको कंप्लीट समझो कि टिश्यू प्रोसेसिंग कैसे होती है। अगर आपके वो वीडियो देखा हुआ है तो बेस्ट है, अगर नहीं देखा तो वो वीडियो देखो आप। उससे क्या होगा कि ये जो वीडियो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि टिश्यू प्रोसेसर जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर होता है ये कहाँ काम आता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो की कि ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर क्या है और कैसे वर्क करता है, कौन से रिएजेंट इसके अंदर ज़रूरी होते हैं, कंपल्सरी होते हैं, और किन किन प्रोसेस के अंदर ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर जो होता है काम में आता है। ये जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर है ये DMLT जो सेकेंड ईयर है उसके अंदर पैथोलॉजी के अंदर चैप्टर है ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग। तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि आप टिश्यू प्रोसेसिंग का जो वीडियो बना रखा है उसको देखो, उससे आसानी से ये समझ आ जाएगा। अब चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे वर्क करता है। ये डायग्राम मैंने बनाया, जैसा भी बनाया मैंने कोशिश की है बना दिया, आपको समझने के लिए थोड़ा आसान होगा। अब करते क्या, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होती है कि टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर यूज होने वाला एक इक्विपमेंट या ये मान लो एक मशीन है कि इसके अंदर क्या होता है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर यूज किया जाता है। अब जो टिश्यू प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर बहुत सारे स्टेप होते हैं, जैसे सबसे पहले कलेक्शन होता है, सैंपल को कलेक्शन कहाँ से करते हैं, उसके बाद सैंपल को रिसीव हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है उसकी फिक्सेशन की जाती है। अब टिश्यू की फिक्सेशन, फिर उसकी ग्रोसिंग की जाती है, उसकी जो इन्फेक्टेड साइट है उससे कट किए जाते हैं, डिकेल्सिफिकेशन किया जाता है, डिहाइड्रेशन किया जाता है, कलियरिंग की जाती है, इम्प्रेगनेशन और इनफिल्ट्रेशन। इसके बाद के भी स्टेप होते हैं जैसे माइक्रोटोमी है, ब्लॉक मेकिंग है, स्टेनिंग है, डिपैराफिनाइजेशन है, माउंटिंग है, माइक्रोस्कोपी है। लेकिन कुछ जो प्रोसेस हैं ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के अंदर होते हैं जिससे क्या होता है जो टिश्यू प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस है या तो वो अगर मैनुअल करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि जैसे 6 से 7 डेज या 6 से 8 डेज तक टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर कंप्लीट लगते हैं। जब हम टिश्यू ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर इस मशीन का जब यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, जो टिश्यू प्रोसेसिंग के कुछ प्रोसेस हैं उनको एक नाइट के अंदर कंप्लीट कर देगा, जिससे क्या होगा कि जो टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट है उसकी टाइमिंग के अंदर फर्क होगा और एक मशीन के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं इसलिए जो रिपोर्टिंग है उसकी एक्यूरेसी वो बनी रहती है। अब इसको स्टार्ट करके इसको समझ लेते हैं कि कंप्लीटली कैसे किस स्टेप के अंदर वर्क करता है। अब जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर होता है इसके जो स्टेप होते हैं इसके अंदर क्या होता है, फिक्सेशन होता है, डिकेल्सिफिकेशन होता है, डिहाइड्रेशन, कलियरिंग, इम्प्रेगनेशन और इनफिल्ट्रेशन। ये जो इसके पार्ट है, इसके जो प्रोसेस है टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर कंप्लीट होते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग के जो कंप्लीट वर्क होते हैं उनमें से फिक्सेशन, डिकेल्सिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, कलियरिंग, इम्प्रेगनेशन और इनफिल्ट्रेशन, ये जो प्रोसेस हैं 6 प्रोसेस ये ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के अंदर होते हैं। अब करते क्या है, जिन टिश्यू का अगर अगले दिन हमें अम्बेडिंग, ब्लॉक मेकिंग, सेक्शन कटिंग या माइक्रोस्कोपी करनी है उन सभी टिश्यू को क्या करते हैं कैसेट के अंदर डाल के और इस ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के अंदर डाल के छोड़ देते हैं और पूरी नाइट ये मशीन चलती रहती है ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर। अर्ली मॉर्निंग जब हम आते हैं 8 या 9 बजे हमें टिश्यू पैराफिन बैग्स के अंदर कंप्लीट मिलता है। जब उसको पैराफिन बैग्स से निकाला हुआ मेल्टन पैराफिन बैग्स होता है उसमें से निकाला और ब्लॉक मेकिंग के लिए भेज दिया जाता है। जो ये प्रोसेस है ये ओवरनाइट मशीन चलती रहती है और अपने आप करती रहती है। अब ये करती कैसे है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लो, टिश्यू प्रोसेसिंग के जो स्टेप थे फिक्सेशन, डिकेल्सिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, कलियरिंग, इम्प्रेगनेशन और इनफिल्ट्रेशन। टिश्यू के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है तो डिकेल्सिफिकेशन वाला प्रोसेस होगा, वरना इसको कैंसिल करके बाकी के जो प्रोसेस हैं इनको कंपलसरी किया जाएगा। 5 स्टेप हैं वो कंपलसरी इसके अंदर होते ही हैं। अब जो इसके अंदर रिएजेंट यूज होते हैं, सबसे पहले फॉर्मेलिन, फिक्सेशन के अंदर यूज होगा फॉर्मेलिन, 10% फॉर्मेलिन के अंदर। उसके बाद क्या होगा, जो डिकेल्सिफिकेशन है, अगर डिकेल्सिफिकेशन करना है टिश्यू के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है या कैल्शियम वाला कोई टिश्यू है, बोन है, टिथ है या कोई ऐसा टिश्यू जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है तो उसके अंदर डिकेल्सिफिकेशन किया जाएगा, वरना उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। जो टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर डिकेल्सिफिकेशन स्टेप होता है इसके अंदर जो रिएजेंट यूज होते हैं वो भी इनके अंदर आएंगे, जैसे फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। उसके बाद डिहाइड्रेशन के अंदर क्या करते हैं, टिश्यू में से वाटर को रिमूव करते हैं
वाटर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको बढ़ती हुई सांद्रता के अंदर अल्कोहल यूज करेंगे। तो हमें 50% 70% 80% 90% और 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल की भी इसमें आवश्यकता होगी या जरूरत होगी। कलीरिंग के लिए क्या है, जाइलीन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो हम इम्प्रेगनेशन और इनफिल्ट्रेशन करते हैं उसके लिए मेल्टन पैराफिन वैक्स है, तो पैराफिन वैक्स का भी इसके अंदर जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या है, टिश्यू ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर होते हैं, इसके जो पार्ट होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बास्केट करियर, उसके बाद कलेक्शन बास्केट, सर्कुलर डिस्क और रेजेंट जो बास्केट होती है वो रेजेंट बीकर सॉरी, उसके बाद डिजिटल क्लॉक या टाइमिंग वॉच, ये इसके पार्ट होते हैं। ये जो बास्केट है ये रन करती है, इसके अंदर जब टिश्यू को डाल के छोड़ देते हैं तो ये पहले किसी एक नंबर बॉक्स बास्केट के अंदर जाएगी, फिर दो, फिर तीन, ये रन करेगी राउंड शेप के अंदर। ये आगे मैं समझाऊंगा जब इसका पूरा मेथड, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सर्कुलर बास्केट है, इसके जो पार्ट हैं एक बार लिख लो आप, याद रहेंगे, बास्केट करियर, कलेक्शन बास्केट, सर्कुलर डिस्क, रिजेंट बीकर और डिजिटल क्लॉक। इस टाइमिंग जो डिजिटल क्लॉक होती है इसके अंदर टाइमिंग फिक्स की जाती है कि कौन से बॉक्स के अंदर जो बास्केट है ये जो रन करेगी वो कितने टाइम तक रुकेगी, ये इसके अंदर डिजिटल बास्केट के अंदर क्लॉक के अंदर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं या उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी सेटिंग कर देते हैं डिजिटल वॉच के अंदर कि इसके अंदर टिश्यू इतने टाइम के लिए रहेगा। इसके जो मेरिट, लाभ, एडवांटेज जो हैं, ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर एक मशीन है जो टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर यूज ली जाती है। इसके लाभ क्या होंगे अगर हम ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर का यूज करते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग नॉर्मली जैसे मैनुअल करते हैं उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और होता क्या है कि जब हम ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का यूज़ करते हैं तो टाइम की बचत, प्रोसेसिंग के अंदर बहुत कम समय लगता है, प्रोसेसिंग में कम समय लगता है, सबसे पहले एडवांटेज ये हुआ। उसके बाद वो बेहतर परिणाम जो इसकी रिजल्ट की एक्यूरेसी है बेस्ट आती है, उसके मल्टीपल ब्लॉक मेकिंग होती है। अगर हमें एक नॉर्मली जब कोई हिस्टोटेक्निशियन वर्क करता है 10 15 या 20 तक उसे टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर जो टिश्यू है वो प्रोसेसिंग में ला सकता है, लेकिन मशीन के अंदर क्या होता है 150 से 200 तक के टिश्यू होते हैं आसानी से, इतने ही जो स्टेप है टिश्यू प्रोसेसिंग के वो आसानी से ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर कर लेता है। उसके बाद क्विक रिपोर्टिंग है, क्विक रिपोर्टिंग का मतलब रिपोर्ट की जो स्पीड है, या मतलब जैसे जो रिपोर्ट हमें 7 डेज के अंदर प्रोवाइड होती थी वही रिपोर्ट हमें 4 डेज के अंदर या 3 डेज के अंदर प्रोवाइड होने लगी है इस ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग के कारण। अब जो इसके अंदर यूज किए जाने वाले रिजेंट मैंने आपको बता दिए, इसके जो प्रोसेस थे कौन कौन से प्रोसेस थे, जैसे फिक्सेशन है, डिकेल्सिफिकेशन है, डिहाइड्रेशन है, कलीरिंग है, इम्प्रेगनेशन है और इनफिल्ट्रेशन, ये जो प्रोसेस हैं ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के अंदर होते हैं। अब जो रिएजेंट हैं वो अपन को कंपलसरी चाहिए, जो फॉर्मेलिन है या फॉर्मिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है, अल्कोहल है जो बढ़ती हुई सांद्रता के अंदर हमें डिहाइड्रेशन के लिए अल्कोहल चाहिए 50% 70% 80% 90% और 100%, उसके क्लीयरिंग के लिए जाइलीन चाहिए और इनफिल्ट्रेशन और इनप्रेगनेशन के लिए पैराफिन वैक्स चाहिए, वो भी मोल्टन पैराफिन वैक्स पिघला हुआ। इसके जो पार्ट है मैंने बता दिए, बास्केट करियर है, कलेक्शन बास्केट है, सर्कुलर डिस्क है, रिजेंट बीकर और डिजिटल क्लॉक है। अब इसके जो लाभ थे मैंने आपको बताए, प्रोसेसिंग में कम समय लगता है, बेहतर परिणाम है, मल्टीपल ब्लॉक मेकिंग होती है और रिपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी है जो क्विक रिपोर्टिंग इसके अंदर मिलती है। अब क्या करते हैं, ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर का जो वर्क है, कैसे ये वर्क करता है उसको समझाता हूँ, ये इतना मैं डिलीट कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, इसका कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको समझते हैं कि किस प्रकार ये वर्क करती है। इसके अंदर जो कंपलसरी था मैंने आपको बता दिया कि जो रिएजेंट हैं वो ज़्यादा कंपलसरी होते हैं जो प्रत्येक बास्केट के अंदर डाला होता है। इसका जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है कि 12 बास्केट यहाँ लगी होती हैं, यहाँ से यहाँ तक जो रन करती है उसकी इंटरनल शेप अगर देखना चाहो तो मैंने डायग्राम बनाया, जैसा बना है मैंने बना दिया यार आपके समझने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो इंटरनल शेप है इसकी ऐसी होती है। अब इसके अंदर समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या कि सबसे पहला जो स्टेप है वो फॉर्मेलिन के लिए, सबसे पहला एक नंबर जो बास्केट है ये रही, इसके अंदर 10% फॉर्मेलिन है टिश्यू को पर जो फिक्सेशन के लिए। अब जो इसको क्या करेंगे, टिश्यू को ग्रोसिंग करेंगे, ग्रोस जो इन्फेक्टेड जो उसकी साइट है उसमें से टिश्यू को निकालेंगे कट करके। अब क्या करेंगे, उस टिश्यू को एक टिश्यू नहीं है 10, 15, 20, 50, 150 तक के जो टिश्यू होते हैं उसको कट करके निकालते हैं और उस टिश्यू को क्या करते हैं, कैसेट के अंदर डालते हैं। कैसेट क्या होता है कि एक डिब्बी नुमा संरचना की ऐसी एक
छोटी सी होती है जिसके ऊपर जाली लगी होती है ऐसे, इसके अंदर टिश्यू बंद हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो रिएजेंट होता है इंटर और एग्जिट दोनों हो सकते हैं लेकिन टिश्यू बाहर नहीं निकलता। अब ऐसे क्या करते हैं, ऐसी कैसेटें क्या करती है, 100 से 150 अगर टिश्यू है तो अलग अलग टिश्यू को अलग अलग कैसेट के अंदर डाल के उस पर जो उनका सीरियल नंबर है या कुछ जो भी उनका नंबर दिया हुआ उनको जो नए मिटने वाली स्याही से लिख के या किसी कागज़ के अंदर लिख के उस कैसेट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, जो पूरी टिश्यू प्रोसेस जो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर चलता है उसके साथ घूमता रहता है। अब इस ऐसी जो कैसेटें हैं इस बास्केट के अंदर डाल दी, लगभग मान लो 50 डाल दी, 100 डाल दी, जितनी भी है इसके अंदर डाल दी। अब इसको क्या करेंगे, जो टाइम क्लॉक है किस प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगेगा वो इसके हिसाब से है। जैसे फॉर्मेलिन के अंदर 4 हॉर्स लगेंगे, बाकी सभी के अंदर क्या करते हैं कि 1-1 घंटा लगता है। अब ये टाइम क्लॉक इसके अंदर डिजिटल क्लॉक होता है, मैंने आपको पीछे बताया भी है, वो उसके अंदर जो सेटिंग होती है वो सेट कर देते हैं और इसको स्टार्ट करके जो हिस्ट्रो टेक्नीशियन है वो चले जाते हैं, इसको क्या करते हैं दूसरे दिन आके संभालते हैं। तो इसका पूरी नाइट है ना जो प्रोसेस से चलता रहता है। अब इसके अंदर क्या है, जो टिश्यू है कैसेट के अंदर डाले हुए हैं, अब ये बास्केट क्या करेगी, सबसे पहले 1 नंबर के अंदर है, 1 नंबर बास्केट के अंदर क्या हुआ, 10% फॉर्मेलिन है, जो टिश्यू है वो कंप्लीट जितने भी टिश्यू है वो 1 नंबर बास्केट के अंदर 4 घंटे तक रहेंगे, नॉर्मली मैंने लिख रखा है 4 घंटे तक रहेंगे, जिसके अंदर क्या हुआ फिक्सेशन का जो स्टेप था कंप्लीट होता है 4 घंटे के बाद। उसके बाद जो ये बास्केट है यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे रखा है मैंने और ये सेकेंड के अंदर चली आएगी। अब 1 घंटा क्या होगी, 50% एल्कोहल के अंदर 2 नंबर बास्केट के अंदर रहेगी, 2 नंबर बास्केट के अंदर एल्कोहल 50% है, जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन स्टार्ट होता है। अब क्या करते हैं, जो सेकंड नंबर बास्केट थी इसके अंदर 50% एल्कोहल था, तो 1 घंटे के लिए ये बास्केट जो टिश्यू के साथ या कैसेट से भरी हुई थी इसके अंदर टिश्यू या जो बास्केट है ये पूरी पूरी इसके अंदर 1 घंटा रुकेगी। 1 घंटे के बाद ये 70% 3 नंबर बास्केट के अंदर चली आएगी, यहाँ से रन करेगी और 3 नंबर बास्केट के अंदर चली जाएगी। अब 70% एल्कोहल के अंदर चली जाएगी जो कंप्लीट बास्केट है वो, ये भी बास्केट 12 बास्केट रन राउंड शेप के अंदर लगी होती है, ये जो है ये रन करती है पहले फर्स्ट नंबर के अंदर डीप करती है 4 हॉर्स के लिए, फिर सेकंड के अंदर 1 हॉर्स के लिए 50% एल्कोहल के अंदर, फिर 3 के जो बास्केट होती है उसके अंदर भी ये 70% एल्कोहल होता है उसके अंदर ये 1 घंटे तक डीप करती है, फिर इसकी इसी से निकल के ये क्या करती है 4 नंबर बास्केट होती है उसके अंदर चली जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है 80% एल्कोहल होता है, उसके बाद क्या करेगी 1 घंटे के बाद क्या करेगी ये 5 नंबर जो बास्केट थी उसके अंदर चली जाएगी, इसके अंदर वह 90% एल्कोहल। हम कर क्या रहे हैं डिहाइड्रेशन, क्योंकि इनके अंदर बढ़ते हुए सांद्रता के अंदर एल्कोहल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे 5 नंबर बास्केट थी इससे निकल के ये 6 नंबर बास्केट के अंदर चली जाएगी जहाँ पे क्या है 100% एब्सोल्यूट एल्कोहल। इसके अंदर अब क्या होगा, टिश्यू के अंदर जो वाटर था कंप्लीटली रिमूव हो चुका है और टिश्यू के अंदर क्या है एल्कोहल है। उसके बाद जो 6 नंबर से 7 नंबर की आएगी, 7 नंबर के अंदर भी बास्केट के अंदर भी क्या होता है ये 1 घंटे तक रुकती है, उसके अंदर भी 100% एब्सोल्यूट एल्कोहल होता है। उसके बाद क्या है ये एसीटोन एल्कोहल के अंदर रुकेगी जो 8 नंबर बास्केट है, 8 नंबर बास्केट के अंदर भी ये 1 घंटे के लिए रुकेगी, या एसीटोन होता है या इसके अंदर इथेनॉल होता है। अब 8 नंबर से क्या होगी ये 9 नंबर के अंदर चली जाएगी। अब 9 नंबर तक क्या है, 8 नंबर तक तो यहाँ पर तो था डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जब यहाँ से 8 नंबर बास्केट थी उसके अंदर डिहाइड्रेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद आता है स्टेप क्लीयरिंग का। अब ये क्या हुआ, जो 9 नंबर बास्केट है उसके अंदर 1 घंटा रुकेगी, लेकिन इसके अंदर क्या है जाइलिन जो क्लीयरिंग रिएजेंट है ये इसके अंदर 1 घंटे तक रुकेगी। 9 से 10 नंबर बास्केट है उसके अंदर भी जाइलिन है, उसके अंदर भी 1 घंटा तक रुकेगी टिश्यू। अब 10 नंबर के अंदर भी जाइलिन है, अब 1 घंटा तक जाइलिन के अंदर रुकने के बाद जो बास्केट थी ये रन करती हुई क्या करेगी 11 नंबर बास्केट के अंदर जाएगी जहां पे क्या है पैराफिन बैक्स, यहां पे भी 1 घंटा तक रुकेगी। ये जो पैराफिन बैक्स है ये मेल्टन पैराफिन बैक्स, हीट किया हुआ पैराफिन बैक्स इसके अंदर रहता है, मोल्टन पैराफिन जिसको कहते हैं, क्योंकि पैराफिन बैक्स जो होता है वो एक ठोस रूप के अंदर होता है, जब इसको हीट करते हैं 55 से 60 डिग्री के बीच कि ये पिघल जाता है। तो ये 11 नंबर बास्केट के अंदर जब टिश्यू 1 घंटा तक रुकेगा उसके बाद
12 नंबर बास्केट के अंदर चला जाएगा। 12 नंबर बास्केट के अंदर भी होता है पैराफिन वैक्स, उसके अंदर भी एक घंटा तक रुकेगा। ये कंप्लीट प्रोसेसिंग होती है 12 नंबर बास्केट के अंदर। जब 12 नंबर बास्केट के अंदर ये टिश्यू रुकेगा, उसके बाद यहाँ पे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होएगी। ये कंप्लीट प्रोसेसिंग होती है 15 घंटे के अंदर, क्योंकि हम अपन इवनिंग को जब इसको स्टार्ट करके जाते हैं तो दूसरे दिन 8 या 9 बजे हमें टिश्यू जो होते हैं कंप्लीट बास्केट के अंदर भरे हुए 12 नंबर बास्केट के अंदर मिलते हैं। जब इसको निकालते हैं तो ये मेल्टन हुए पैराफिन वैक्स के अंदर कंप्लीट टिश्यू प्रोसेसिंग, इनफिल्ट्रेशन और इनप्रेग्नेशन तक के स्टेप कंप्लीट मिलते हैं। अब इनको बास्केट से निकाला, इस बास्केट से निकालते हैं और निकालने के बाद क्या करते हैं, जो एम्बेडिंग होती है ब्लॉक मैकिंग के लिए टिश्यू को सीधा भेज देते हैं। यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन और इनप्रेग्नेशन तक टिश्यू कंप्लीट जो होते हैं प्रोसेस होते हैं ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के अंदर होते हैं। मैंने आपको बताया भी है तो टिश्यू प्रोसेसर के जो स्टेप थे, फिक्सेशन है, डिकेल्सिफिकेशन है, डिहाइड्रेशन है, क्लियरिंग है, इम्प्रेग्नेशन और इनफिल्ट्रेशन, ये कंप्लीट प्रोसेस है ना ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के अंदर होता है। इनके अंदर ही ज़्यादा टाइम लगता है टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए, इसलिए ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर के अंदर ओवरनाइट कंप्लीट हो जाता है। जिसके साथ क्योंकि कोई टेक्नीशियन को भी रुकने की ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर टाइमर लगा होता है, डिजिटल क्लॉक होती है, जब इसको स्टार्ट करते हैं तो ये 1 नंबर से 12 नंबर तक रन करती है। जैसे मैंने अभी अब जस्ट आपको बताया था, प्रत्येक बास्केट के अंदर अलग से अल्कोहल, ये जैसे फर्स्ट नंबर के अंदर 10% फॉर्मिलिन होता है, 4 घंटे तक रुकती है बास्केट, उसके बाद 50% अल्कोहल के अंदर 1 घंटा तक रुकती है बास्केट, उसके बाद 70% अल्कोहल के अंदर 1 घंटा तक रुकती है, फिर उसके 80% अल्कोहल के अंदर 1 घंटा रुकेगी, उसके बाद 90% अल्कोहल के अंदर 1 घंटा रुकेगी, उसके बाद 100% एब्सोल्यूट के लिए, एब्सोल्यूट जो अल्कोहल होता है उसके अंदर भी 1 घंटा तक रुकेगी, उसके बाद 100% एब्सोल्यूट जो 7 नंबर प्रोसेस है, यहाँ पे मान लो 7 नंबर बास्केट के अंदर भी 1 घंटा रुकेगी। 8 नंबर जो होता है उसके अंदर एसीटोन अल्कोहल होता है या इथेनॉल अल्कोहल होता है, उसके अंदर भी 1 घंटा रुकेगी। जो फॉर्मेलिन का प्रोसेस है ना, ये 4 घंटे के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो फिक्सेशन है, फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, टिश्यू को फिक्स किया जाता है, उसकी जो सेल की मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर होती है उसके लिए फिक्सेशन का जो काम वर्क होता है वो होता है, इसके अंदर टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती है, ये 4 से 5 घंटे लगते हैं, बाकी के अंदर सभी के अंदर 1-1 घंटा लगता है। सुबह जब अर्ली मॉर्निंग के अंदर टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए हम ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर को ओपन करेंगे तो हमें पैराफिन बैग्स के अंदर ये कंप्लीट मिलेगा। ये जो अपन पैथोलॉजी का चैप्टर है ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर, और थ्योरिकल पार्ट मैंने करवाया है, प्रैक्टिकल का कभी मौका मिला तो ज़रूर समझाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। ये आपको थ्योरिकल पार्ट है जो एग्ज़ाम के अंदर लिखना आसान होगा। सबसे पहले लिख देना टिश्यू प्रोसेसिंग के जो स्टेप है, फिक्सेशन है, डिकेल्सिफिकेशन है, डिहाइड्रेशन है, क्लियरिंग है, इम्प्रेग्नेशन है और इनफिल्ट्रेशन है, ये स्टेप होते हैं। रीजेंट हमें ये चाहिए, फॉर्मेलिन, फॉर्मिक एसिड, HCl, नाइट्रिक एसिड, एल्कोहल बढ़ती हुई सांद्रता के अंदर 50%, 70%, 80%, 90% और 100% एब्सोल्यूट एल्कोहल, या इनके से ये भी चाहिए जैसे एसीटोन या इथेनॉल, उसके बाद जाइलीन है या पैराफिन बैक्स है, मेल्टन पैराफिन बैक्स है। ये जो 12 प्रोसेस होते हैं, 12 जो बास्केट लगी होती है इनके अंदर अपने आप जो ऑटोमेटिकली होती है, ये कंप्यूटर जेनरेटेड लैब होती है, कंप्यूटर के द्वारा फिक्सड होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, जब लैब को मंगल करते हैं, लैब को बंद करते हैं, उस टाइम इसकी जो कंप्यूटर के द्वारा सेटिंग होती है कंप्लीट करके छोड़ दिया जाता है और मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है और लैब को बंद कर दिया जाता है। दूसरे दिन जब भी आते हैं हमें कंप्लीट तैयार हुआ मिलता है। ये था आज ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। आज हमने ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर के बारे में वीडियो बनाया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर जितने भी प्रकार के इक्विपमेंट यूज होते हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।